Hey everyone, this is Ankush from SSS and I welcome you again in the part 2 of J&K economy. So we have started with J&K economy and this is part 2. Okay, तो जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा है पहले वो पार्ट वन देख लीजिए, देन कम अप टू पार्ट टू, बिकॉज पार्ट वन एंड पार्ट टू जो हैं वो रिलेटेड हैं. ठीक है, तो पार्ट वन में हमने बेसिक ऑफ इकोनॉमी कवर किया था. उसके बाद हमने जो इकोनॉमिक्स के वेरियस इंडिकेटर्स हैं या वेरियस फील्ड्स हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए थे. तो एग्रीकल्चर हमने फील्ड किया था, तो एग्रीकल्चर के ही आगे सब टॉपिक्स हैं, सब पार्ट्स हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर के ही और सेगमेंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. ओके जी, तो सबसे पहला सेगमेंट जो एग्रीकल्चर के अंदर है दैट इज़ हॉर्टिकल्चर एंड विल डिस्कस दिस. ठीक है जी, देखिए हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, जब हम फ्रूट्स की बात करें या इनफैक्ट ड्राई फ्रूट्स की भी बात करें, ठीक है, तो वो सारा किस में आ जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाता है. ठीक है, एग्रीकल्चर का ही सेगमेंट है हॉर्टिकल्चर, सो विल बी डिस्कसिंग दिस. ओके, तो हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज रिटन ओवर हेयर इन दिस स्लाइड इज द स्टेट इज बिस्टॉर्ड विद डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, कश्मीर एग्रीकल्चर इज फेमस वर्ल्ड वाइड एज द वर्ल्ड्स हाई क्वालिटी सैफरन इज प्रोड्यूस्ड इन वैली एंड इट्स मेन कॉन्सेंट्रेशन इज इन पुलवामा एंड बडगाम डिस्ट्रिक्ट इन किश्तवाड़ रीजन ऑल्सो. ठीक है, द स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री, इनफैक्ट द यूटी आप इसको करेक्ट कर सकते हो, यूटी जो है दैट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ सैफरन. इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस ऑफकोर्स. मोर ओवर दिस सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव इन नेचर एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अ सिग्निफिकेंट नंबर इन द प्रोसेसिंग ऑफ इट्स प्रोड्यूस एंड कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशली इन द स्टेट इकोनॉमी. ठीक है जी, देखिए कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये लिखा गया है कि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो यूटी है J&K की, ठीक है, वो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है यहाँ पे. मतलब हमारी यूटी में क्या है, हमारी जो स्टेट है वहाँ पे क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मतलब कि जो एग्रीकल्चर के लिए बड़ी परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं हमारे यहाँ पे. ठीक है, देखो अगर हम कश्मीर की बात करें तो जो वहाँ पे सॉइल है दैट इज़ करेवा सॉइल. ठीक है, करेवा सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कल्टिवेशन के लिए. ठीक है, बड़ी सारी क्रॉप्स जो है करेवा सॉइल जो है दैट इज़ सूटेबल फॉर इट. इनफैक्ट और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं कश्मीर की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स आर अवेलेबल. ठीक है जी, ओके, और इंडीड सबसे हाई क्वालिटी सैफरन जो है वो मिलता है. ठीक है जी, कश्मीर में वर्ल्ड फेमस है सैफरन. ठीक है, वर्ल्ड फेमस सैफरन जो है यहाँ पे ग्रो करता है और क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है. और जो करेवा सॉइल की मैं बात कर रही थी, ठीक है, करेवा सॉइल की जो बात कर रही थी मैं, आपने ज्योग्राफी में इनफैक्ट जब J&K की ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने इस करेवा सॉइल के बारे में पढ़ा भी होगा. वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है जो सैफरन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स वाई कश्मीर में ग्रो करती है. ठीक है, पंपोर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सैफरन जहाँ पे ग्रो करता है. ठीक है, बुड़गाम है. ठीक है, इनफैक्ट वी हैव किश्तवाड़ रीजन में भी कहीं कहीं पे स्मॉल पॉकेट्स में कहीं कहीं पे हमें जो है सैफरन की ग्रोथ जो है दिखती है. ठीक है, वो जो हमारी स्टेट है, ठीक है, ये हमारी यूटी आप कह सकते हैं, यूटी जो है हमारी, ठीक है, दिस रैंक्स फर्स्ट इन दी कंट्री. ये कंट्री में हमारी इंडिया में फर्स्ट रैंक है ऑफकोर्स इसकी प्रोडक्शन ऑफ सैफरन का. ठीक है, देखो कि पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा सैफरन, वैसे बात कर रही हूँ जनरल नॉलेज की, तो ईरान में है. ठीक है, ईरान जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सैफरन की वहाँ होती है. और अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी स्टेट ही है इंडीड जहाँ पे सैफरन. लेकिन अगर हम गुड क्वालिटी की बात करें ना तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ सैफरन जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, कश्मीर में मिलेगा. ठीक है, मतलब वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बात करूँ तो. ठीक है, और सैफरन तो है ही इंपॉर्टेंट. ठीक है, सैफरन को जो है लास्ट ईयर इसको GI टैग भी जो है वो मिला था सैफरन को. ठीक है जी, GI टैग भी मिला था, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी जो है सैफरन को हमारे मिल चुका है. ठीक है, और अगर हम सैफरन की बात करें तो देखिए तीन टाइप का सैफरन जो है वो मिलता है. ठीक है, आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल, बट चलिए रफली तीन टाइप का सैफरन मिलता है. वन इज़ लच्छा सैफरन, ठीक है, अनदर इज मोंगरा सैफरन, एंड थर्ड वन इज गुच्छी सैफरन. है ना, गुच्छी सैफरन होता है, मोंगरा सैफरन होता है, लच्छा सैफरन, तीन टाइप के सैफरन जो है हमें मिलते हैं. ठीक है जी, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ये याद रखें कि GI टैग जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो भी मिल चुका है. और देखिए मतलब इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है ये सैफरन कि अगर मतलब नियरली रफली मैं बात कर रही हूँ, अगर 5000 फ्लावर्स हम लेंगे ना सैफरन के, तो 5000 फ्लावर्स में से खाली 500 ग्राम सैफरन ही मिलेगा.
ठीक है, रफली 5000 फ्लावर्स में से इट विल यील्ड ओनली 500 ग्राम्स ऑफ सैफरन और स्पाइस वी कुड से, ठीक है, तो इसलिए बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. तो सैफरन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्रोसिन होता है सैफरन में, इस क्रोसिन की वजह से इसमें कलर आता है सैफरन में, ठीक है, ओके. तो ये कलर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. एक पिक्रोस क्रोसिन होता है, उसकी वजह से सैफरन में जो बिटरनेस है वो उसकी वजह से आती है, ठीक है, ओके. तो ये तो हो गई सैफरन की बात. गुच्छी की बात की तो वी हैव वन गुच्छी मशरूम एज वेल, ठीक है जी. गुच्छी मशरूम भी है जो बेल्स ऑफ डोडा किश्तवाड़ में ग्रो करता है. इनफैक्ट सम ऑफ द एरियाज ऑफ कश्मीर और पुंछ में भी ग्रो करता है गुच्छी मशरूम, ठीक है. गुच्छी मशरूम यू माइट हैव हर्ड, सुना भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, क्योंकि J&K जो है इसके लिए भी GI इंडिकेशन टैग इसके लिए भी सीक कर रहा है गुच्छी मशरूम के लिए, ठीक है, ओके. और ये एक आपकी एयरलूम क्रॉप्स में आता है, जो गुच्छी मशरूम है किस में आता है, एयरलूम क्रॉप्स में आता है, ठीक है, HEIR, ठीक है, आई विल राइट हियर, ठीक है, ये एयरलूम क्रॉप्स में आता है जो गुच्छी मशरूम है, ठीक है. मतलब एच से स्टार्ट होता है, एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसको एयरलूम क्रॉप्स कहते हैं. एयरलूम क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, ऐसे रफली बता देती हूँ, एयरलूम क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो हम कमर्शली ग्रो नहीं करते, विच वी डोंट ग्रो कमर्शली. तो एज गुच्छी मशरूम ग्रोज नेचुरली, इसके कमर्शियल लेवल पे इसको हम ग्रो नहीं करते, इसको हम नेचुरली ही ग्रो करते हैं, मतलब नेचुरली ही ये ग्रो होता है, खुद भी खुद ग्रो होता है गुच्छी मशरूम, ठीक है. तो इसीलिए ये किस में आता है, एयरलूम क्रॉप्स में आता है. एयरलूम क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स होती हैं, विच वी डू नॉट गो ग्रो कमर्शियली, जो हम कमर्शियली नहीं ग्रो करते, जो अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं, ठीक है, जो हम अपने शौक के लिए ग्रो करते हैं हम, ठीक है. तो दैट इज़ ओके. तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है कि अब देखिए वैरायटी ऑफ, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं तो वी हैव वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, ये तो हमें पता ही है. एप्पल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हमारी स्टेट में होती है, हमारी यूटी में होती है, J&K में, इनफैक्ट कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है एप्पल की, ठीक है. सबसे ज़्यादा एप्पल ग्रो करता है, नंबर वन पे है हमारी यूटी जो है, अगर हम रैंक करें एप्पल के केस में. इनफैक्ट वॉलनट्स के केस में J&K स्टैंड्स फर्स्ट, ठीक है. तो वी हैव एप्पल, पेयर, देखो ऐसे क्लाइमेटिक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है कश्मीर की कि इनकी एप्पल और पेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है. तो एप्पल है, वी हैव पेयर, वी हैव वॉलनट्स, ठीक है. इनफैक्ट ये लीडिंग प्रोड्यूसर है वॉलनट्स का भी. एलमंड, वी हैव चेरी, एप्रिकॉट, देयर आर वैरायटी ऑफ, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं पेड़ों पे लगे हुए. और वी हैव लाइक वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वी गॉट इन कश्मीर, ओके. सो द स्टेट होल्ड्स फर्स्ट पोजिशन इन प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री इज फॉर एप्पल्स इज फ्रॉम आर यूटी ओनली, हमारे J&K से ही है, ठीक है, ओके. तो देखिए एप्पल के बाद मैं बात करती हूँ ब्लैक जीरा, ठीक है जी, जिसको क्यूमिन भी कहते हैं. जीरा को क्या, क्यूमिन भी कहते हैं ना, ब्लैक क्यूमिन, ओके. तो अगर हम ब्लैक क्यूमिन की बात करें, यानी ब्लैक जीरा की अगर मैं बात करूँ, सो वो भी यहाँ पे ग्रो करता है इन, लेकिन कुछ पार्ट्स में ग्रो करता है, जैसे गुरेज सेक्टर है, कारगिल है, पाडर है, किश्तवाड़ है, ये जो पाडर जो है किश्तवाड़ के पास ही है, ठीक है. तो यहाँ पे ग्रो करता है ब्लैक क्यूमिन, ठीक है. एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, J&K गवर्नमेंट हैज सेट अप रिसर्च सेंटर फॉर इट्स कल्टिवेशन इन J&K पंपोर डिस्ट्रिक्ट. तो एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है किसके लिए, ब्लैक क्यूमिन या ब्लैक जीरा की प्रोडक्शन के लिए. जीरा जो कि हमारे मतलब हमारे किचन का एक मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है. हमारी मतलब सब्जियां जो भी हम बनाते हैं उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट जो है, मेन स्पाइस जो है, वो जीरा भी रहता है, ठीक है. तो ये जो है काफ़ी इन एरियाज़ में ग्रो करता है. और यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है, कहाँ पे, पंपोर डिस्ट्रिक्ट में. इनफैक्ट पंपोर डिस्ट्रिक्ट में रिसर्च सेंटर फॉर सैफरन भी एक इस्टेब्लिश है, ठीक है, ओके. हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन द ईयर 2018-19 स्टूड एट 3.96 मिलियन टन्स, ठीक है, विद 414.47,000 हेक्टेयर एरिया ऑफ प्रोडक्शन. तो कितना एरिया ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना था, वो था 414.47,000 हेक्टेयर ऑफ एरिया था अंडर कल्टीवेशन. और अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितनी थी फॉर द ईयर 2018-19, दैट वाज 3.96 मिलियन टन्स, ओके. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ रिपोर्टेड 330,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड अंडर फ्रूट कल्टीवेशन. और अगर हम 2017-18 की बात करें तो अंडर फ्रूट कल्टीवेशन कितना एरिया था, दैट वॉज 330,000 हेक्टेयर, ठीक है, 2017-18 में, ओके, ऑलराइट. नाउ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स जो है, दिस वॉज 22.53 लाख मीट्रिक टन्स, दैट इज 2.47 ऑफ टोटल फ्रेश फ्रूट्स. अगर हम टोटल फ्रेश फ्रूट्स की बात करें, उसके फिगर्स की बात करें, तो कितनी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स थी, दैट वॉज 22.53 लाख मेट्रिक टन्स.
एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स आउटसाइड द स्टेट, अगर ये हम 2017-18 का डाटा ले रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर भेजना, ठीक है, तो जो हमने एक्सपोर्ट किए फ्रूट्स, दैट वाज 19.78 लाख टन्स जो है फ्रूट्स के एक्सपोर्ट किए गए. दैट मीन्स 84% ऑफ टोटल फ्रूट्स प्रोडक्शन जो है दैट वॉज एक्सपोर्टेड. ओके, सो दिस वॉज अबाउट हॉर्टिकल्चर. अब हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर की. ठीक है जी, हमारी स्टेट के, हमारी यूटी की फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं. तो फ्लोरिकल्चर नाम से ही हमें पता लग रहा है, इट इज़ अबाउट फ्लावर प्रोडक्शन. ठीक है जी, फ्लावर का जो कल्चर है, अगेन जो फ्लोरिकल्चर जो है, कल्चर ऑफ फ्लावर्स जो है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स जो है, अगेन दिस इज़ अ सेगमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनफैक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एज वेल. ठीक है जी, तो इसको आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में कैसे भी आप पढ़ सकते हो, हॉर्टिकल्चर के ही एक सेगमेंट आता है फ्लोरिकल्चर. ओके, सो फ्लावर फार्मिंग जो है, फ्लोरिकल्चर और फ्लावर फार्मिंग जो है, इट्स एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. ओके, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं इन दिस स्टेट, जैसे कि सुकॉस्ट, जिसको हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, एक ओके, सो ये कहाँ पे है, एक जम्मू में है. वी हैव सुकॉस्ट, वन इन जम्मू एंड अनदर इन कश्मीर. एंड द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट. ठीक है, किसके लिए, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, किसके लिए, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन फ्लोरिकल्चर. ओके, तो ये जो मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किस में हेल्प करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हेल्प करती हैं हमारी स्टेट के. ठीक है जी, ओके. और भी बड़े सारे एग्जॉटिक ट्रीज़ हैं, जैसे कि चिनार की बात करें, ठीक है, क्यूप्रेसिस की बात करें. वी हैव फ्लावर्स लाइक मैरी गोल्ड, वी हैव ग्लैडुलस, रोजेज, आयरिसेज, नार्सिस, ठीक है, हमारे पास लिलीज़ हैं, ट्यूलिप्स हैं, बड़े सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, ठीक है, सालाना जो फ्लावर्स होते हैं वो हैं. ठीक है, सो दे वी हैव लाइक मेनी वराइटीज़ ग्रोन इन आवर स्टेट, या ग्रोन इन आवर यूटी आप कह सकते हैं. तो हमारे पास बड़ी सारी वराइटीज़ हैं किसकी, फ्लावर्स की. ठीक है, अब अगर हम एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करें 2015-16 में हमारी यूटी में कितना था, दैट वाज 255 हेक्टेयर, एज अगेंस्ट 80 हेक्टेयर इन 1996. देखिए 1996 में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी है J&K की, अगर हम बात करें तो हम 1996 ऑनवर्ड्स ही ज़्यादा इकोनॉमी देखते हैं. ठीक है, तो 1996 में कितना था, 80 हेक्टेयर था. और अगर हम 2015-16 की बात करें तो इट रोज टू 255 हेक्टेयर. काफ़ी ग्रोथ जो है फ्लोरिकल्चर की हो गई. फ्लोरिकल्चर जो है काफ़ी अच्छा मतलब एक स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, जैसे हमने प्रीवियस यहाँ पे पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काफ़ी अच्छा सोर्स है. और जो हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी स्टेट की, ठीक है, शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक जम्मू में है, कश्मीर में है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर को, और टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. ठीक है जी, और काफ़ी सारे फ्लावर्स जो आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स जो है यहाँ पे मिलेंगे. ओके, नाउ व्हाट वी से दैट, ओके, दिस इज़ अबाउट द एरिया ऑफ अंडर फ्लोरिकल्चर. ओके, अब अगर हम फ्लोरिकल्चर स्पेसिफिकली अगर कश्मीर की बात करें तो फॉर 2014-15 एक्सपेंडिचर कितना था, अगर 2014-15 की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो स्पेंड किया गया फ्लोरिकल्चर पे स्पेसिफिकली कश्मीर में, दैट वॉज रुपीज़ 317.892 लाख. ठीक है, और जो रेवेन्यू जो रिलाइज हुआ दैट वॉज रुपीज़ 446.95 लाख्स. ओके जी, अच्छा, अब अगर हम देखिए ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर की बात करें, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर का मतलब है कि जो मतलब कि जो टूरिज़्म के लिए आप कह सकते हैं, जो फ्लोरिकल्चर जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर हम ऑर्नामेंटल की बात करें तो मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स एंड पार्क्स इन दी वैली टू बूस्ट टूरिज्म, जैसे कि मुगल गार्डन्स हैं. अब ये जो गार्डन्स हैं तो वहाँ पे भी फ्लावर कल्टीवेशन ही हो रही है, वहाँ पे फ्लावर्स ही हो रहे हैं. ठीक है, तो मुगल गार्डन्स हैं, जैसे कि वी हैव निशांत बाग, शालीमार बाग, वी हैव चश्मा शाही, परी महल, वेरी नाग, अच्छाबल, ठीक है, वी हैव जरोका बाग, और बोटैनिकल गार्डन है हमारे पास, कोकरनाग है, पहलगाम, मानसबल इज़ अ लेक एज वेल. ठीक है, तो लेक के आगे पीछे का जो एरिया है, ट्यूलिप गार्डन, वी हैव नेहरू मेमोरियल बोटानिकल गार्डन एंड मोर 98 सिटी पार्क्स. ठीक है,
तो ये सारी जो एरियाज हैं इनको अंडर फ्लोरिकल्चर, इनको फ्लरिश किया जाता है, इनको मेंटेन किया जाता है, उनको अंडर ये किसके अंडर आते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर के अंदर आते हैं, ठीक है, डेकोरेटिव मतलब जो टूरिज्म को जो प्रमोट करते हैं, ठीक है जी, ओके। अब देखिए ट्यूलिप गार्डन की बात चली, यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन की मैंने बात की, ठीक है, तो आप सबको पता भी होगा कि जो ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, जो स्पेसिफिकली कहाँ पे है, सिराज बाग में है, ये लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया का, ठीक है, सो वी हैव द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया हेयर, ठीक है, कश्मीर में, श्रीनगर स्पेसिफिकली सिराज बाग में, ठीक है, एंड इट लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ जबरवंत माउंटेन, जबरवंत माउंटेन्स के फुट हिल्स में ये ट्यूलिप गार्डन, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्यूलिप गार्डन है, एंड इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है, ट्यूलिप फ्लावर्स जो हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन्स की, ठीक है, ट्यूलिप फ्लावर्स की, ओके। अगेन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो सॉइल है कश्मीर की, ठीक है, वो फेवरेबल है ट्यूलिप के ग्रोथ के लिए, ओके जी, ऑलराइट। अगर हम फ्लोरिकल्चर स्पेसिफिकली जम्मू की बात करें, अगर हम फ्लोरिकल्चर जम्मू की बात करें, तो फॉर 2014-15 ईयर की बात करेंगे, तो एरिया अंडर फ्लावर कल्टीवेशन कितना था, 129.77 हेक्टेयर था, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 40.57, ठीक है, ये जो है ये लाख है, ठीक है, हैज़ बीन स्पेंट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। देखिए दो स्कीम्स हैं हमारे पास, वन इज RKVY जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, एंड MIDH, ठीक है, MIDH की बात करें तो इट इज़ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये दो स्कीम्स हैं। और ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये कब इनिशिएट हुई थी, दो स्कीम्स हैं और ये जो दोनों स्कीम्स जो है ना ये एग्रीकल्चर के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए ये स्कीम्स जो हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं ये इम्प्लीमेंट की गई हैं, ठीक है, तो ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जैसे कि वी हैव RKVY एंड MIDH जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एज फार एज आर स्टेट इज़ कंसर्न, ठीक है, तो एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5.65 लाख हैज़ बीन एक्सपेंडेड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन 2014-15 अंडर MIDH, ठीक है, MIDH के लिए मैंने आपको क्या बोला, इट इज़ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, तो स्पेसिफिकली MIDH की अगर बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो किसके ऊपर बेस्ड है, हॉर्टिकल्चर के ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड है, हॉर्टिकल्चर के ऊपर, ठीक है जी, सो दिस इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगर RKVY की बात करूं तो दिस इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगर RKVY की बात करें तो ये 2007 में जो, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो RKVY है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, और J&K में जितनी भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड हम बात करेंगे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, जिसकी भी बात करेंगे, चाहे वो ब्लू रेवोल्यूशन पिसीकल्चर मतलब फिश फार्मिंग है, किसी की भी बात करेंगे, तो वहाँ पे ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है अपना रोल जो है इस इन स्कीम्स का है, काफ़ी ज़्यादा ये फंड्स जो है वो सेंक्शन करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, काफ़ी फंड्स जो है इस स्कीम के तहत जो है हमारे स्टेट में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चर की जो है वहाँ उसको मिले हुए हैं, ठीक है, 2007 में ये एक अम्ब्रेला स्कीम जो आई थी एंड इसमें हॉलिस्टिक जो है डेवलपमेंट की गई सभी एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज जितनी भी हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज जो है इन सबको जो है फंड्स जो है प्रोवाइड करे जाते हैं अंडर RKVY, सो दिस स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और MIDH तो है ही है, ये स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर के ऊपर है, ठीक है, ये MIDH स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेसिफिकली जो है ये हॉर्टिकल्चर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और इसमें जैसे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, मशरूम्स हो गई, स्पाइसेस हो गए, फ्लावर्स हो गए और एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, ठीक है, उन पे ये जो है एम्फसिस करती है, ठीक है, और मैंने आपको कहा ही, और बाकी रहा हमारा सुकास्ट, तो वो तो है ही, ठीक है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सुकास्ट तो है ही है जो फ्लोरिकल्चर में काफ़ी ज़्यादा एम्फसिस जो है वो अपने डालता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, ओके, सो दिस वॉज अबाउट फ्लोरिकल्चर ऑफ जम्मू, ओके। अब देखिए एक थोड़ा करंट का मैं आपको बता देती हूँ, तो लेवेंडर जो है, लेवेंडर कल्टिवेशन की अगर मैं थोड़ी सी आप मतलब बात कर लूँ आपके साथ, तो लेवेंडर कल्टिवेशन क्या है, लेवेंडर कल्टिवेशन को हम कहते हैं, लेवेंडर क्या है, लेवेंडर इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर, है ना, लेवेंडर भी एक टाइप का फ्लावर है, पर्पल कलर का फ्लावर होता है ये, और इसीलिए इसको पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पर्पल रेवोल्यूशन, ये आप लिख लीजिए ज़रा, ये पर्पल
रेवोल्यूशन भी कहा जाता है लेवेंडर कल्टीवेशन को. तो लेवेंडर इज अ टाइप ऑफ फ्लावर. देखो हुआ क्या कि डोडा में कुछ फार्मर्स थे, लगभग लगभग 500 के करीब फार्मर्स थे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हमारे जम्मू रीजन का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कुछ 500 तकरीबन फार्मर्स थे. उन्होंने क्या किया, अपनी कल्टीवेशन को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम मेज टू लेवेंडर. ठीक है, मेज से वो लेवेंडर में आए. क्यों आए, क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था लेवेंडर से. ठीक है, लेवेंडर क्या है, ये एक एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक का मतलब होता है फ्रेग्रेंस. ठीक है, तो ये एक फ्रेग्रेंस देता है ये फ्लावर. आपने सुना होगा परफ्यूम्स सुने होंगे कि लेवेंडर फ्लेवर का परफ्यूम है, या सोप्स सुने होंगे है ना कि लेवेंडर फ्लेवर का सोप है, या फेस वॉश में तो खैर कम यूज, सोप वगैरह हैं. ठीक है, तो लेवेंडर का मतलब है जो फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है, एरोमेटिक, और कुछ मेडिसिनल यूजेस भी इसके होते हैं. ठीक है, तो ये लेवेंडर कल्टीवेशन होती है, इसीलिए इसको, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस से एसोसिएटेड है ये फ्लावर, इसीलिए इसको अरोमा मिशन भी कहा गया. 2016 में ये जो है ये स्टार्ट हुआ. ठीक है, और इसमें क्या किया, जो सेंटर है उसने काफ़ी जो रोल है वो निभाया टू बूस्ट कल्टीवेशन प्लांट्स लाइक लेवेंडर. ठीक है, अगर लेवेंडर ऑयल की बात करें तो ₹10,000 पर लीटर के हिसाब से ये मतलब बिकता है. तो थोड़ा सा इसमें जो है प्राइस इफेक्टिव है, मतलब इसमें जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा लगे, इसीलिए उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को शिफ्ट कर दिया टू लेवेंडर. ठीक है, पर सैपलिंग की बात करें तो ₹5 to ₹6 जो है पर सैपलिंग जो है फार्मर्स को पड़ा, एंड अ मिनिमम ऑफ 40 लीटर ऑफ लेवेंडर ऑयल फ्रॉम लेवेंडर ग्रोन ओवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. ठीक है, तो जब 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे लेवेंडर ग्रो करता है तो उसमें से तकरीबन 40 लीटर्स ऑफ लेवेंडर जो है वो मिलता है. ठीक है, तो लेवेंडर, देखिए लेवेंडर ये स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने डोडा की बात की क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स जो थे एक साथ उन्होंने कल्टीवेशन जो है लेवेंडर की ग्रो की, जिसको क्या कहा, अरोमा मिशन कहा गया, और इसको पर्पल रेवोल्यूशन ऑफ J&K भी आप कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन ऑफ J&K. तो ये आप अपने नोट्स जहाँ पे भी आप बना रहे हैं वहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, और ऑलरेडी देखिए ऐसा नहीं कि लेवेंडर सिर्फ डोडा में ग्रो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा, मतलब और भी जगहें हैं लेवेंडर जहाँ पे ग्रो करता है. ठीक है, जैसे पुलवामा है, बिजबिहारा है, देर आर मोर प्लेसेज इन कश्मीर ऑल्सो जहाँ पे लेवेंडर ऑलरेडी जो है वो ग्रो कर रहा है. ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा CSIR और IIIM जम्मू जो है उनकी मतलब कोलैबोरेशन से जो ये पर्पल रेवोल्यूशन या अरोमा मिशन जो है ये स्टार्ट हुआ था J&K की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ. ठीक है, लेवेंडर कहाँ पे यूज़ होता है, परफ्यूम्स में यूज़ होता है, रूम फ्रेशनर्स में यूज़ होता है, सोप्स में यूज़ होता है, जहाँ पे भी फ्रेग्रेंस रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनमें यूज़ होता है. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन ऑफ J&K रिलेटेड टू लेवेंडर फ्लावर. ओके, तो ये आप याद रखिएगा. ठीक है जी, ओके, नाउ कमिंग अपॉन टू लाइव स्टॉक. ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइव स्टॉक की. ठीक है, लाइव स्टॉक में बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रेयरिंग का जो पोर्शन है एग्रीकल्चर का, वो किस में कवर होता है, लाइव स्टॉक में कवर होता है. ठीक है, वो किस में कवर होता है, लाइव स्टॉक में, याद रखिएगा. तो इसमें देखिए क्या है, विद एनफ ऑफ ग्रेजिंग लैंड इन हिल एरियाज ऑफ द UT, लाइव स्टॉक इज ऑफ डिस्टिंक्ट एडवांटेज एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एग्रेरियन सेक्टर. रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज बेस्ट सूटेड टू दीज एरिया एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनकरेजिंग माउंटेन फार्मिंग. अकॉर्डिंग टू 2007 सेंसस, द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 2% इन द टोटल लाइव स्टॉक ऑफ द कंट्री. लाइव स्टॉक पर 100 ऑफ population in the state is 88 animal as against only 76 animals in country. Average livestock available per household is in the state is 7 animals. ठीक है, देखिए अगर मैं क्यों यहाँ पे लाइव स्टॉक की इंपॉर्टेंस क्यों रहती है हमारी स्टेट में, एक तो ग्रेजिंग फील्ड मतलब कि पैस्चर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे जो भी हमारा लाइव स्टॉक है वो एनिमल्स जो है वो ग्रेज कर सकते हैं. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है उनको मिल जाता है. ओके, और इससे क्या होता है, माउंटेन फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा एनकरेज होती है लाइव स्टॉक रखने की वजह से. ओके, अगर हम 2007 सेंसस की बात करें, जो लाइव स्टॉक सेंसस होता है, 2007 लाइव स्टॉक सेंसस की बात करें, तो वी हैड 2% ऑफ टोटल लाइव स्टॉक इन द कंट्री. जितनी पूरी कंट्री में लाइव स्टॉक है उसका 2% जो है हमारे UT J&K में था. ठीक है, और अगर हम पर 100 पे बात करें, पर 100 पे 88 एनिमल्स थे हमारी स्टेट में एज कंपेयर, ये 2007 सेंसस की बात है, लाइव स्टॉक सेंसस की बात है, एज कंपेयर टू पूरी इंडिया की अगर मैं बात करूँ, हमारी कंट्री की बात करूँ, तो वहाँ पे 76 एनिमल्स थे पर 100, जबकि हमारे पास हमारी स्टेट में 88 एनिमल्स थे पर 100. ठीक है जी, और ऑन एन एवरेज पर हाउस होल्ड हैड 7 एनिमल्स अगर हम एवरेज निकालते हैं तो. ठीक है, ओके, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें हमारी स्टेट में, तो इन 2016-17 इट वॉज 23.76 लाख मेट्रिक टन्स. ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन की अगर मैं मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क.
ठीक है वर्ल्ड में इंडिया जो है दैट इज़ नंबर वन इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ठीक है जी. ओके. पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क वर्क्स आउट टू 451 ग्राम्स पर डे. डेयरी इज द बैकबोन ऑफ लाइफ स्टॉक. अगर लाइफ स्टॉक की हम बैकबोन की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है हमारी यूटी में. ओके. नाउ एज पर 19th लाइफ स्टॉक सेंसस, जो 19th लाइफ स्टॉक सेंसस था वो 2012 में हुआ था. ठीक है. जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पोल्ट्री बर्ड्स. अगर पोल्ट्री बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इट वॉज 82.73 लाख इन द स्टेट एज कम्पेयर टू 792.09 लाख इन इंडिया. ठीक है. और एग प्रोडक्शन जो है, एग प्रोडक्शन कितनी रही, 23.05.29 लाख फॉर द ईयर 2016-17. सो दिस वॉज अबाउट, ये फिगर्स जो है एग प्रोडक्शन की हैं. ठीक है. और ये जो है पोल्ट्री बर्ड्स की हैं, पोल्ट्री बर्ड फार्मिंग की है. दैट वॉज 82.73 लाख इन आर यूटी. ओके जी. ऑलराइट. अब बात करते हैं हम पेसिकल्चर पे. पेसिकल्चर मीन्स फिश फार्मिंग पे अब हम बात करेंगे. किसकी बात करेंगे, फिश फार्मिंग की. ठीक है. अगेन अनदर, ये भी जो फिश फार्मिंग है ये भी एक सब कैटेगरी है, सेगमेंट है किसका, एग्रीकल्चर का ही. ठीक है जी. ओके. तो फिश फार्मिंग की बात करते हैं. ओके. सो हाई प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन द स्टेट. फिश प्रोडक्शन हैज रीच टू 2.07 लाख क्विंटल्स. ठीक है जी. कितनी प्रोडक्शन है एवरेज, अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करें तो वी हैव 2.07 लाख क्विंटल्स. अगेन नाउ वी हैव राष्ट्रीय कृषि योजना. अगर मैं ये योजना, ठीक है, सो दिस इज जे. अगर राष्ट्रीय कृषि योजना, कृषि विकास योजना जिसको ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन एक्चुअली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर जो है, अंडर जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन आ जाता है. तो ब्लू रेवोल्यूशन डील्स विद फिश फार्मिंग. ठीक है, फिश प्रोडक्शन. ओके. एंड वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. और देखिए जो ये RKVY है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये पिसे पेसिकल्चर पे कब लागू हुई, 2009-2010 में. ऐसे ही इम्प्लीमेंट 2007 में हुई थी, लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन में यानी फिश फार्मिंग में अगर हम इसकी बात करें तो ये 2009-2010 में यहाँ पे लागू हुई थी. ठीक है. वी हैव 20 ट्राउट यूनिट्स कंप्लीटेड इन प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग 2018-19 में. कितने ट्राउट यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, 20. ठीक है. ट्राउट इज अ टाइप, इज अ वैरायटी ऑफ फिश जो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे हमारी यूटी में मिलती है, ट्राउट फिश. ओके. 200 लो कॉस्ट हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन 2018-19. ठीक है. 94 कहाँ पे हुए थे, जम्मू डिवीजन में कंस्ट्रक्ट हुए थे. 106 कहाँ पे हुए थे, कश्मीर डिवीजन में हुए थे. 200 लो कॉस्ट हाउसेज जो है वो कंस्ट्रक्ट हुए थे फॉर फिश फार्मिंग. ओके. 59 ट्राउट रेयरिंग यूनिट्स और हैचरीज जो हैं वो भी हैं हमारी पूरी अक्रॉस आर स्टेट. वी हैव 59 ट्राउट रेयरिंग यूनिट्स और हैचरीज ऑल्सो. ठीक है. तो ये कुछ नाम हैं फिश फार्म्स के जम्मू में और कश्मीर में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव इन नोवाबाद, इन गोमनासा जम्मू में. ठीक है. वी हैव डुमी, वी हैव वन नेशनल फिश सीड फार्म इन कठुआ, इन राजौरी, इन पुंछ. ठीक है. इन रियासी, इन थानपल, रियासी में दो हैं. ठीक है. रामबन, सुंगवल इन सांबा. सो वी हैव सम ऑफ द फार्म्स इन जम्मू एंड सिमिलरली वी हैव सम ऑफ द फार्म्स इन कश्मीर एज वेल. ठीक है. जैसे वी हैव इन बड़गाम, वी हैव इन पुलवामा, इन बांडीपुरा. ठीक है. इन मानसबल, स्पेसिफिकली इन बारामूला, इन कुपवाड़ा. ठीक है. सो वी हैव कोहरू एंड दीवार इन इन कुपवाड़ा. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द फिश फार्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर रिस्पेक्टिवली. ओके जी. तो अब बात करते हैं जी सेरिकल्चर की. देखिए सेरिकल्चर जो है ना, ये सेरिकल्चर जो है ये आप कह, ये सम हाउ इट्स अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एज वेल. जब हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब हमने इंडस्ट्री करनी है उसमें, उसका भी पार्ट हम सेरिकल्चर को उसका भी पार्ट मान सकते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री है या फॉरेस्ट के रिलेटेड इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी इंडस्ट्री है. ठीक है. तो ये है सेरिकल्चर. ठीक है. सेरिकल्चर इज़ ऑल अबाउट सिल्क के, जब हम सिल्क प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ दैट इज़ सेरिकल्चर. ओके. सो सेरिकल्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया. ठीक है जी. इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है. इट इज़ अ एग्रो कॉटेज इंडस्ट्री. ठीक है. इट इज़ अ एग्रो कॉटेज इंडस्ट्री. सेरिकल्चर इन्वॉल्व द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कलेक्शन ऑफ कुकूनस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मलबरी ट्रीज. ठीक है. मलबरी ट्रीज पे जो है कुकून बनते हैं और कुकून से क्या निकलता है, सिल्क वॉर्म निकलता है. ठीक है. सिल्क वॉर्म निकलता है और सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस होगा, रॉ सिल्क प्रोड्यूस होगा. ठीक है. J&K इज वन ऑफ द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर टेरेटरीज ऑफ इंडिया. अगर मैं पूरी इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बड़ी सारी स्टेट्स हैं और भी, जैसे कर्नाटका है और बड़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे सिल्क जो है वो मिलता है, और एंड J&K इज वन ऑफ देम. ठीक है. लीडिंग प्रोड्यूसर, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क जो है, फाइन क्वालिटी सिल्क जो है वो
कश्मीर में आपको मिलेगी, ठीक है जी। सो देयर आर अबाउट 7 लाख मलबरी ट्रीज इन J&K, अगर पूरे J&K की बात करें तो 7 लाख मलबरी ट्रीज हैं अबाउट, ठीक है, राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 66,080 क्विंटल्स जो हैं, ठीक है, वी हैव 6,680 क्विंटल्स ऑफ रॉ सिल्क वर्थ अबाउट ₹50 करोड़ इज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन J&K, ठीक है जी। तो कितने क्विंटल्स ऑफ रॉ सिल्क मिलती है, इट इज अबाउट 6,680, ठीक है, तो 6,680 क्विंटल्स ऑफ रॉ सिल्क जो है वो मिलती है, और एनुअली जो है J&K में कितने, मतलब कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट होती है, दैट इज ₹50 करोड़ एनुअली, ठीक है जी। J&K इज द ओनली टेरिटरी इन द कंट्री विच इज एट द सेम ऑल्टीट्यूड इन विच लीडिंग, ठीक है, बायवोल्टाइन सेरिकल्चर कंट्रीज इन दी वर्ल्ड लाई, ठीक है, जहाँ पे देखिए जहाँ पे मैक्सिमम जो है कंट्रीज लाई करती हैं किसके लिए, बाइवोल्टाइन सेरिकल्चर के लिए। देखो बाइवोल्टाइन सेरिकल्चर इज जहाँ पे एनुअली आपको दो बार सिल्क जो है वो मिलेगी, ठीक है, बाइवोल्टाइन होती है, एक यूनिवोल्टाइन होती है, मल्टीवोल्टाइन भी होती है, ठीक है। J&K हैज द कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस यूनिवोल्टाइन एंड बाइवोल्टाइन सिल्क, तो हमारे J&K में यूनिवोल्टाइन सिल्क भी मिलती है, बाइवोल्टाइन सिल्क भी मिलती है, ठीक है, साल में एक बार भी मिलेगी सिल्क, ऐसे कोकून्स हैं, और कुछ ऐसे कोकून्स हैं जहाँ पे आपको कोकून्स हैं जहाँ पे आपको दो बार जो है सिल्क प्रोड्यूस होगी, और J&K प्रोड्यूसेस बाइवोल्टाइन मलबरी सिल्क एक्सक्लूसिवली, हमारी स्टेट में मलबरी सिल्क आपको मिलेगी, ठीक है। बड़ी सारे सिल्क की वैरायटीज हैं, जैसे वी हैव मोगा सिल्क, वी हैव टसर सिल्क, वी हैव एरा सिल्क, है ना, बड़ी सारी सिल्क की वैरायटीज हैं, वो ये मलबरी सिल्क जो बहुत ही फाइन क्वालिटी सिल्क होती है, ठीक है, तो ये आपको हमारी स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है। और दी टेम्परेट क्लाइमेट इज कंड्यूसिव फॉर कोकून प्रोडक्शन, ऑफकोर्स जो हमारा क्लाइमेट है टेम्परेट क्लाइमेट है जो कंड्यूसिव है कोकून प्रोडक्शन के लिए, दीज कोकून्स आर फार सुपीरियर टू दी मल्टी वॉल्टाइन वंस प्रोड्यूस्ड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो मतलब बड़ी सारी कंट्रीज में आपको मल्टी वॉल्टाइन भी सिल्क भी मिलेगा, मल्टी वॉल्टाइन सिल्क मतलब जो थ्रू आउट ईयर जो काफ़ी टाइम काफ़ी बार जो है वो प्रोड्यूस होता है जो सिल्क है, ठीक है, तो मल्टी वॉल्टाइन आपको भी मिलेगा, लेकिन हमारी स्टेट में हमारी यूटी में जो है फाइन क्वालिटी मिलेगा, और यहाँ पे स्पेशली यूनिवोल्टाइन और बाइवोल्टाइन सिल्क आपको मिलेगा, ओके जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।